नमस्कार, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बहुत आसान मैगी पकोड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। और जैसे कि बारिश का मौसम आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें हमें क्रंची पकोड़े भजिए खाने के मन करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ एक नया रेसिपी मैं शेयर करूँ मैगी के पकौड़े की, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आपने देखा कितना क्रंची लग रहा है दिखने में, खाने में तो बहुत टेस्टी है और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, कितना क्रंची है एकदम, और अंदर से काफ़ी अंदर से जूसी है। जैसे कि हम प्याज के पकौड़े खाते हैं सेम वैसा ही लगता है, और बनाना भी बहुत आसान है। तो आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स द्वारा मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम झटपट बनने वाली मैगी पकौड़ी बनाना। मैगी पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैकेट मैगी, जिसे मैंने पका लिया है। एक पैकेट मैगी में जो मसाला मिलता है उसे डाल करके पका ले, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 95% ही आप इसे कुक करें और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। एक प्याज लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है, उसे हम डाल देंगे। साथ ही में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच हरी धनिया की पत्तियां जिसे बारीक कट कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, क्योंकि जो मसाला होता है मैगी का वो भी हल्का सा चटपटा होता है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है। अजवाइन डाल दिया है 1/2 छोटी चम्मच। साथ ही में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप बेसन। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। इससे जो है पकोड़े काफी क्रंची बनेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालते समय आप ध्यान रखें कि मैगी मसाले में भी नमक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें आप स्वाद अनुसार नमक डालें इसमें। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथ को अच्छे से आप पहले धो लें, उसके बाद इसे मिक्स करें। और इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर आप पानी इसमें डाल देंगे तो पकोड़े जो है वो अच्छे से क्रंची नहीं बनेंगे। अगर आपको लगे कि जो ये डो है काफी टाइट लग रहा है, तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल लें और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, तो मैंने इसे मिक्स करके रेडी कर लिया है, और इसे हमें रेस्ट होने के लिए नहीं रखना है, डायरेक्टली हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तेल में काफी बबल आ चुके हैं छोटे छोटे, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गरम हो चुका है। जब भी आप हम पकोड़े फ्राई करते हैं तो हाथों में चिपक जाते हैं, तो इसके लिए हमें करना है कि हाथ को अच्छे से पानी में डिप कर लें और उसके बाद जो है पानी अच्छे से निकाल दें इस तरीके से। और अब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे, तो एक साथ में बहुत सारे पकोड़े हम डाल सकते हैं कढ़ाई के अंदर तेल में, और हमारा जो हाथ है वो भी चिपचिपा नहीं लगेगा इस तरीके से। तो अब हम डाल देते हैं तेल में पकोड़ों को। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है, और जितने पकोड़े आसानी से तेल में आ जाएंगे उतने पकोड़ों को हम डाल देंगे। और पकोड़ों को ऊपर से हम हल्का सा ड्राई होने देते हैं, हल्का सा इसका कलर चेंज होने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। अगर आप तुरंत पलटेंगे तो जो इसके अंदर हमने प्याज डाला है वो प्याज जो है बाहर आने लगता है, तो इसके लिए हल्का सा जो पकोड़े हैं उसे पकने दीजिए, उसके बाद ही आप इसे स्पैचुला से पलटिएगा। तो देखिए हल्का सा जो है पक चुका है, तो अब मैं इसे पलट दूंगी। दूसरे साइड से भी इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का होने देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है हमें। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये क्रंची हो जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे, जो हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर यूज किया है वो नहीं पकेगा। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रख के आप इसे पकाइएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे हम इसे थोड़े सेकेंड के लिए और भी फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए अच्छा सा जो पकोड़ा है मैगी का वो बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है। तो मैंने इसे निकाल लिया, और कुछ सेकेंड के लिए हम इसे कढ़ाई के ऐसे ऊपर रखेंगे स्पैचुला को, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। ये कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, एकदम क्रिस्पी
और मजा आता है इसे खा करके। तो इसी तरीके से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूंगी। तो मैंने सारे पकोड़ों को फ्राई कर लिया है, अब इसे हम सर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी टोमेटो सॉस को, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये जो हमारे पकोड़े हैं मैगी के, काफी क्रिस्पी क्रंची बने हुए हैं, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए तो खाने में बहुत मजा आता है। बच्चे तो इसे फटाफट से फिनिश कर देते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। ये दिखने में ही लग रहे हैं ना कि कितने कुरकुरे से बने हैं, कितने क्रंची और साथ ही में काफी चटपटे हैं। तो आप इसे जरूर बनाइएगा अपने घर पे। तो मैंने पकोड़ों को निकाल लिया है प्लेट में, और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम दिखने, देख के ऐसा लग रहा है कि काफी स्वादिष्ट बना है ये। और सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपको मैं एक पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी एकदम परफेक्ट कुक हुआ है, एकदम बढ़िया पका हुआ है। तो इसलिए इसको आप मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना पकाएं इस पकोड़ों को। और अपने घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स द्वारा मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।